सो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंटरनेट पर जो हमें इंडियन रोड्स पे स्पाई करते हुए दिखी है KTM RC 200, हमें वो लेनी चाहिए, उसके लिए इंतजार करना चाहिए, या फिर जो एक करंट वेरिएंट है BS6 वाला 2020 वाला RC 200, हमें ये लेना चाहिए। आज इसी वीडियो के अंदर हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे आप लोगों ने यार कमेंट सेक्शन में लिखा था कि यार ये कन्फ्यूजन हो रहा है हमारे दिमाग में, तो इसको प्लीज़ सॉल्व करा जाए। तो डेफिनेटली माय नेम इज संगीत खन्ना एंड यू आर वॉचिंग Throttle 98। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस कन्फ्यूजन। और अगर बात है सिर्फ लुक्स की, अगर आपको बाइक का मेन जो पॉइंट है लेने का वो लुक्स है, तो ये जो करंट वेरिएंट है मुझे लगता है कि आपको ये वाला लेना चाहिए। बिकॉज जो फोटोज हमें दिखी हैं इंटरनेट पे RC 200 की जो लीक हुई हैं टेस्ट करते हुए इंडियन रोड्स पे, वो मुझे लगता है इतनी ज़्यादा अच्छी दिखने लायक है नहीं। अगर उसके अंदर हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर आ रहा है, तो अगर उसके अंदर LED हेडलाइट क्लस्टर आ रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं लगती है वो थोड़ा सा एक बेटर वेरिएंट हो सकता है। बट अगर उसके अंदर हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर आ रहा है और यहाँ पर जैसे कि हमें प्रोजेक्टर लैंप देखने को मिलता है, तो ये वाला जो वेरिएंट है करंट वाला, ये ज़्यादा बेटर लगता है लुक्स के हिसाब से फ्रंट के। एंड ओवरऑल जो एक स्ट्रीमलाइन जो लुक है ना यार RC का, वो मुझे लगता है कि इसी वेरिएंट के अंदर ज़्यादा बेटर है। तो यार लुकिंग के ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव से बात करी जाए, तो जो करंट वेरिएंट है मुझे ये वाला काफ़ी बेहतरीन लगा, काफ़ी बेटर लगा। जो नया आने वाला वेरिएंट है उससे बात करी जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसकी जगह नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आने वाला है, जैसे कि आपको एडवेंचर 250 में देखने को मिला था LCD नॉन कलर्ड डिस्प्ले वाला, तो वो अगर आ जाए तो यार बेटर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला काफ़ी टाइम हो गया देखते देखते हैं, लोग बोर भी हो चुके हैं इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। ओवरऑल RC 200 जो है बहुत फेमस बाइक है इंडियन मार्केट में, एंड जो सस्पेंशन सेटअप है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सेम ही आने वाला है जैसे कि हमें इस वाली बाइक में देखने को मिलता है। बिकॉज सस्पेंशन सेटअप में चेंज करने का इतना कुछ है नहीं, काफ़ी बेहतरीन सस्पेंशन सेटअप है, एंड ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी बेटर है यार। मतलब ओवरऑल जो ब्रेक्स हैं यहाँ पर डुअल चैनल ABS में देखने को मिलता है, ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, वो काफ़ी बेटर लगता है मुझे RC 200 का। एंड RC 200 एक बहुत ही फेमस बाइक है इंडियन मार्केट में, लगभग 2,04,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है जो करंट वेरियंट आप देख रहे हैं इसका। दिस इज द BS6 2020 KTM RC 200, एंड नया वाला वेरिएंट आने वाला है मुझे लगता है कुछ ही महीनों में आ जाएगा, बिकॉज टेस्ट होता हुआ स्पाई किया गया इंडियन रोड्स पे, तो टेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब यार वो प्रोडक्शन लाइन में आ चुका है, बस वो इंडियन मार्केट में लॉन्च कभी भी होने वाला है। तो यार एक स्पेसिफिक डेट अभी KTM की तरफ से कोई भी श्योर नहीं कही गई है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है जल्द से जल्द वो होने वाला है इंडियन मार्केट में, और जल्द से जल्द आने वाला है, लॉन्च होने वाला है वो। देखते हैं कि यार इन रियल जो पर्सनल जो व्यू होता है, जब 1-to-1 जो बाइक देखते हैं तब कैसी दिखती है, बट अगर लुक्स के बारे में अगर बात की जाए तो मुझे ये वाला वेरिएंट ज़्यादा बेटर लगता है। अगर RC 200 की बात की जाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो सेम होने वाला है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है 199.5 cc का इंजन जो पंप आउट करता है 24.6 ब्रेक हॉर्स पावर और 19.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और RC 200 एक यार MotoGP इंस्पायर्ड ट्रैक फोकस बाइक है, जो इसका लुक है वो बहुत स्ट्रीमलाइंड है, एक प्रॉपर ट्रैक मशीन लुक है, तो यार लुक के हिसाब से लोग बहुत पसंद करते हैं इस बाइक को। एंड ओवरऑल जो इसका प्राइस पॉइंट है, जिस हिसाब से हमें इस बाइक में पावर मिलती है, तो एक काइंड ऑफ वेरी वैल्यू फॉर मनी बाइक हो जाती है इंडियन मार्केट में, बिकॉज जो फेयर्ड बाइक्स हैं वो लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। ओवरऑल RC 200 तो हमेशा से ही फेमस रही है, बिकॉज एक तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है और पावर इसके अंदर काफ़ी डिसेंट है, मतलब RC 390 इतनी महंगी नहीं है और RC 125 जितनी कम पावर नहीं है इस बाइक के अंदर। एंड ओवरऑल बात की जाए अगर यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स के बारे में, तो फ्रंट में हमें 300mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, मुझे लगता है सेम ही हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा जो आने वाला वेरिएंट है जो 2021 वाला जो लॉन्च होगा। बट अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए, तो ये चेंज होने वाला है मुझे जहाँ तक लगता है, ऐसा कुछ कन्फर्म्ड नहीं है बट रूमर्स ही हैं, तो हम उसी के बेसिस पे बात कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर ऐसा होता है तो यार थोड़ा सा एक बेटर वेरिएंट हो सकता है, कुछ एस्पेक्ट्स में बेटर होने वाली बाइक, कुछ एस्पेक्ट्स में मुझे लगता है कि अच्छी नहीं होने वाली है। लुक्स के हिसाब से मुझे लगता है कि डाउनग्रेड करेंगे यार, जिस हिसाब से हमें लुक्स देखने को मिले, तो ये करंट वाला वेरिएंट ही ज़्यादा बेटर है लुक्स के हिसाब से। बट अगर कंफर्टेबिलिटी की बात करी जाए, तो मुझे लगता है कि जो रियर सीट है वो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है, थोड़ी बेटर होने वाली है। एज़ फॉर द पिलियन, ये रियर सीट जो है ये वाला करंट वेरिएंट की बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत बेकार सीट है ये वाली बात करी जाए। बट इसकी जगह अगर एक थोड़ी अच्छी सीट आ जाए अच्छी ग्रिप वाली, तो एक बेटर एक चीज़ होने वाली है KTM RC के अंदर। और KTM RC की अगर बात की जाए, तो लगभग 30 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पर माइलेज देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर, और जो फ्यूल टैंक हमें देखने को मिलता है 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। अब देखते हैं KTM जो है डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज कर रही है, तो क्या पता जो फ्यूल टैंक है वो चेंज कर दे, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि फ्यूल टैंक चेंज होने वाला है, बिकॉज फ्यूल टैंक अगर 9.5 लीटर का रखेंगे तो ही ये बाइक जहाँ तक स्ट्रीमलाइन लुक के साथ आएगी, बहुत पतले एक स्लीक लुक के साथ आएगी। बट इंजन मुझे लगता है सेम आने वाला है, बिकॉज BS6 इंजन है, आगे आने वाली बाइक में भी BS6 इंजन ही आएगा, विच इज़ ऑफ 119.5 cc। जो इसका टॉर्क यार मुझे काफ़ी बेटर लगता है, मतलब यार 19.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क इज अ गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क, और लगभग 24.6 ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब है कि यार ये बाइक है ना
मतलब बहुत ज़्यादा कम पावर्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड भी नहीं है, एक मतलब मिडिल में स्टैंड करती है। मतलब इस बाइक से आप ज़्यादा जल्दी बोर नहीं होंगे एंड आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये जो इंजन की जो पावर है ना, दैट इज़ अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर। सो यार आप किसी भी तरीके की राइड करो, चाहे आप लॉन्ग राइड करो, शॉर्ट राइड करो, हाईवे राइड करो, सिटी राइड करो, ब्रेकफास्ट राइड करो, आप कोई भी तरीके की राइड करो, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, एक बढ़िया पंच मिलेगा बाइक के अंदर। एग्रेसिव बाइक है, जिसका इनिशियल पिकअप है वो काफ़ी बेटर है, एंड ओवरऑल ये बाइक है लगभग 160 किलोग्राम की आती है, एंड जो सीट हाइट है वो 835 मिलीमीटर से। तो यार जो शॉर्ट राइडर्स जैसे कि लगभग 5 फीट 1 इंच 2 इंच के हैं, उनको चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है ये बाइक, बिकॉज इस बाइक की जो सीट हाइट है थोड़ी ज़्यादा है। मतलब मैं पर्सनली खुद 5 फीट 9 इंच के आसपास हूँ लगभग, तो मुझे भी कभी कभार बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वैसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है मेरे लिए, तो बाइक काफ़ी परफेक्ट सी है। बट यार कभी कभार हैवी ट्रैफिक में अगर इधर उधर गड्ढे वगैरह मिल जाए रोड पे, या फिर आप काफ़ी कई बार ऑफ रोड में उतर जाओ, अगर आप हाईवे में ट्रैफिक से बच बजा के निकल रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देखते हैं कि जो नई RC 200 है वो कैसी आती है। मुझे लगता है कि जो लुक्स में है वो ये वाली बाइक बेटर है। अगर आप लुक्स के हिसाब से देख रहे हैं और आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाली बाइक के साथ जा सकते हैं। लगभग 2,04,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है इस बाइक की, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट बाइक। डुअल चैनल ABS के साथ आती है, ग्रेट ब्रेकिंग, ग्रेट पावर, ग्रेट कम्फर्ट इन ट्रैक। ट्रैक के अंदर बहुत कंफर्ट है इस बाइक के अंदर, बट यार सिटी राइड्स के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए ये बाइक मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके लिए आप ड्यूक सीरीज़ में जाइए, एडवेंचर सीरीज़ में जाइए, अगर आपको हाईवे राइडिंग करनी है। बट अगर आपको एक शानदार लुकिंग वाली बाइक चाहिए, डेफिनेटली गो विद दिस अमेजिंग RC 200। एंड अगर आप वेट कर सकते हो, आप वेट कर लीजिए, वेट करने के बाद देख लीजिए आपको जो बेटर लगती है तब भी आप वो बाइक ले सकते हैं, नई या पुरानी, जैसे भी आपको सही लगे। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करवे, अगर बिल्कुल नहीं जाना है डू गिव दिस वीडियो थम्स अप, या लाइक तो बनता है, नीचे प्यारा सा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसको तोड़ मोड़ फोटो जो करना करो जब जाना चाहिए, साथ में घंटे का दबाव अगर मत जाइएगा। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, throttle_98 इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ डे। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो करिए, बहुत बढ़िया, वहाँ पर आपको रील्स देखने को मिलेगी, IGTV वीडियोस देखने को मिलेगी। एंड अभी तक आपने अगर मेरा अमेजोन के एफिलिएट लिंक चेक नहीं किए, तो नीचे मेरे अमेजोन के एफिलिएट लिंक मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको कोई भी गैजेट लेना है मैं जो यूज़ करता हूँ, या कोई भी प्रोडक्ट लेना है जो मैं यूज़ करता हूँ, वहाँ पर जाके लिंक पे क्लिक करके ले सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ डे, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय।